फ्रेंड्स, जब भी आप गोवा गए होंगे या जब भी आप गोवा जाएंगे तो आप ओल्ड गोवा के दो चर्चेस के बारे में वहां पे जरूर सुनेंगे। फर्स्ट है बॉम जीसस चर्च और सेकंड ये जो आप सामने देख रहे हैं सी कैथेड्रल चर्च। इसका नाम जनरली लोगों ने सुना नहीं होता बट जरूर इस चर्च को विजिट करते हैं। तो आज इसी चर्च के बारे में हम बात करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मैं अभिषेक आज आपको इस वीडियो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और इस चर्च के बारे में। तो चलिए इस जगह को हम विजिट करते हैं और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ध्यान देने लायक बात है, जैसे आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे ड्रेस प्रॉपरली मेंटेन कर पहनना पड़ता है ताकि आप एक रिस्पेक्टेबल एटमॉस्फेयर यहाँ बना रहे। चलिए अब चर्च के अंदर चलते हैं और इस चर्च के बारे में कुछ और जानकारियां लेते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। देखते हैं, जैसे कि ये सामने आप देख रहे हैं कुछ खूबसूरत सीढ़ियां बनी हुई हैं जहां से इस चर्च के बारे में आप जब और जानेंगे, चर्च के बारे अगर आप जानते होंगे तो पता चलेगा कि ये सीढ़ियों का क्या महत्व है। ये जैसे कुर्सियां लगी हैं, यहां पे जो अनुयायी हैं, जो लोग आके यहां पे प्रेयर्स करते हैं, यहां पे जैसे देख रहे हैं ये झूमर है, यहां पे बहुत ही एंटिक चीज़ें हैं, बहुत ही पुरानी चीज़ें, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। आप यहां जाएंगे तो यू विल फील, एक तो शांत वातावरण होता है यहां का, यहाँ पे लोग हल्ला नहीं करते हैं ज़्यादा, साइलेंस जोन टाइप का होता है, तो बहुत ही शांति होती है यहाँ पे, बहुत ही चीज़ें सुंदर सुंदर हैं जो आप देखेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चर्च के इस जगह के ऊपर पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेल लगा हुआ है जो कि गोल्डन बेल कहा जाता है और एशिया का लार्जेस्ट बेल है वो। एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली है दोस्तों, यहाँ पे टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, हमेशा ये खुला नहीं रहता है। यहाँ के टाइमिंग आप गूगल में देख के पता कर सकते हैं, संडेज को डिफरेंट होते हैं और वीकडेज में डिफरेंट होते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है जो मेन चीज है। दोस्तों यहाँ की मेन चीज ये जो साइड में लगा यह नहीं है, यहाँ का मेन चीज है ये जो आप सामने देख रहे हैं। द मेन थिंग इज यहाँ का जो मेन ऑल्टर है, द मेन ऑल्टर इज डेडिकेटेड टू कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। मतलब ये जो कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया को डेडिकेटेड है जो सामने बना हुआ है। ये जो आप छह चैपल्स देख रहे हैं जो सामने गोल्डन प्लेट में छह चैपल्स हैं, ये कैथरीन अलेक्जेंड्रिया के लाइफ के डिफरेंट फेजेस को बताती है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी सेवरल ओल्ड पेंटिंग्स हैं जो कि पूरे चर्च में अंदर लगी हुई हैं। जैसे कि अगर आप चाहेंगे कि अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं तो कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि सारी जगह पे लगी हुई है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं ये। कुछ और चीजें इस चर्च के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कि इस चर्च को पोर्तुगीज ने बनाया था। और थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि इस चर्च, मतलब गोवा में अंग्रेजों का राज नहीं था, गोवा में पोर्तुगीज का राज था। सन 1510 में मुस्लिम आर्मी को हरा के पोर्तुगीज ने गोवा पे कब्जा किया था और तब ये चर्च बना था 1510 में, फॉर नॉलेज। उसी के बाद से ये यहाँ पे पोर्तुगीज का ये चर्च बना और हमें जो आज़ादी है 1947 में मिली थी, बट गोवा जो है 1947 के बाद में आज़ाद हुआ था, इन्फॉर्मेशन। अब जैसे कि हम सामने देख रहे हैं यहाँ पे ये भी एक मतलब अट्रैक्शन है वहाँ का, इसको कहते हैं क्रॉस ऑफ मिरेकल। ये भी एक चैपल है, क्रॉस ऑफ मिरेकल, ये भी काफी फेमस है। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि गोवा पे अंग्रेजों का राज नहीं था, पोर्तुगीज का राज था, तो हमें जो गोवा है, गोवा जो इंडिपेंडेंट हुआ है वो 1947 के बाद में हुआ। आप इसकी हिस्ट्री गूगल में पढ़ सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। तो दोस्तों यही था मैंने चारों तरफ आपको दिखा दिया है, यही था पूरा इसका। अब हमारी बारी है बाहर जाने की। जाते जाते मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहता हूँ कि इस चर्च में एंट्रेंस की कोई फीस नहीं है, यहाँ पे एंट्रेंस फ्री ऑफ कॉस्ट है। दैट्स इट इन दिस वीडियो, अब हम इसके बाहर जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।